देहरादून पुलिस ने आज प्रधानमंत्री के नाम पर हो रहे एक बड़े फ्रॉड का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस फ्रॉड के चारों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में से दो बिजनेसमैन हैं और पूछताछ में आरोपियों ने बिजनेस में घाटा होने के बाद फ्रॉड करने की बात कबूली है। आरोपियों ने पूछने पर बताया कि उन्हें अपने बिजनेस में काफी लॉस हुआ था और वो खुद भी इस तरह के फ्रॉड के शिकार होने से बचे हैं। फिलहाल पुलिस ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। अन्य क्षेत्रों में पोस्टर्स लगे जिसमें प्रधानमंत्री योजना को लेकर नंबर्स फ्लैश्ड हैं और उसमें यह लिखा हुआ है कि ये इजी लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन जो है वो दिलवाया जा रहा है। क्योंकि इस तरह की कहीं कोई योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की नहीं थी, इसको काफ़ी प्रमुखता से मीडिया ने भी उजागर किया था, तो उसको लेकर DIG महोदय ने एक टीम गठित की जिसमें CO नेहरू कॉलोनी व CO सिटी के नेतृत्व में जो है वो टीम ने काम किया और जो नंबर्स उसमें फ्लैश थे बेसिकली उस पर काम किया। SOG की हमारी टीम जो है वो भी पूरी इसमें लगी और उन नंबर्स की डिटेल से हमें ये पता चला कि ये जो सिम कार्ड इशूड करवाए गए थे, जो नंबर्स दिए गए थे इन पोस्टर्स में, ये सभी नंबर्स जो हैं ये फेक ID पे इशूड हैं। उसके बाद फिर मैनुअली जो है हमारी टीम ने इसमें काम किया और ये चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनमें जो दो अभियुक्त हैं साहिल और नवीन, ये बेसिकली बिजनेस में इनको काफ़ी लॉस हो चुका था और ये खुद इस तरह के इंश्योरेंस और पर्सनल लोन का फर्जीवाड़ा के शिकार हुए थे, तो वहाँ से इनको एक आइडिया आया कि वो भी इस तरह के पोस्टर्स छपवा के हरियाणा और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कई एरिया में उन्होंने इस तरह के पोस्टर्स लगवाए और जिसमें लोगों को बहला फुसला के उनसे जो है पैसे सिक्योरिटी के नाम पे और लोन दिलाने के नाम पे पैसे जो हैं अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करवाए। और हमने दो इनमें अन्य अभियुक्त जो गिरफ्तार किए हैं वो हैं जो जिन्होंने फेक ID पे इन लोगों को सिम इशू करवाए थे। हुआ इनके द्वारा बताया गया है कि लगभग 10-20 ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने उस तरह से फ्रॉड करके उनसे पैसे जो हैं वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया। लगभग 1,25,000 का अमाउंट बता रहे हैं पर वो अभी विवेचना का पार्ट है। खुद के साथ एक बार फ्रॉड का सीन हो गया तो उससे आइडिया लगा था थोड़ा सा करने का। बाकी सर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है आगे से कभी कुछ इस तरीके की कोई वारदात कुछ भी। आइडिया कैसे आया आपको? सर खुद के साथ बता रहा हूँ, एक बार फ्रॉड हो गया था, मतलब होता होता रह गया था इस तरह से ही, जब थोड़ा पैसों की जरूरत थी उस वक्त। क्या हुआ आपके साथ? तो बस सर इस तरह से ठगी होते होते ही रह गई थी तो वहाँ से थोड़ा आइडिया लगा था, अपने नोन है उनके थ्रू लिया था। कितने पैसे दिए थे? 1,000 दिए थे सर। ये छपाए कहाँ थे और कहाँ कहाँ छपाने के लिए इसका क्या ठेका था? सर एक लेबर वाले के थ्रू, प्रिंटिंग प्रेस वाले से, उसी ने अपने हिसाब से किया था जो किया था। अच्छा, इसमें मोदी जी की फोटो क्यों लगवाई? सर वो लेबर वाले ने अपने हिसाब से सेटिंग की थी, मेरे को उसका। आपने कितने लोगों को लोन दिया था? जिनसे पैसे कुछ आए थे। जो कितने पैसे आए, कितने लोग सर? तकरीबन यहाँ पर 5-6 के करीब होंगे। नहीं, पैसे कितने आए? पैसे सर 55,000 रुपए आए थे। 55,000। हर खबर में होगी हमारी नजर, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।